मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। इंदौर के रेवती रेंज की रहने वाली महिला मरियम को सुबह प्रसव दर्द उठा, तकलीफ लगातार बढ़ती देख पति आनन फानन में उसे किसी तरह लॉकडाउन में उसके घर के नजदीकी बाणगंगा सरकारी अस्पताल लेकर गया, लेकिन उसे वहां डॉक्टरों द्वारा खून की व्यवस्था नहीं होने का हवाला देते हुए महिला को एमवाई अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद जब गर्भवती महिला प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचती है तो वहां भी शुरू हो जाता है वही सरकारी जवाब, कागजी कार्यवाही करो, अभी बहुत लोग हैं, पहले से बहुत महिला हैं, इंतजार करना होगा। एक तरफ जहां पति अस्पताल प्रशासन से निवेदन करता है कि पत्नी को बहुत दर्द और हालत खराब हो रही है, लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं, बस वही गोलमोल जवाब, इंतजार करो। उधर दूसरी तरफ प्रसव पीड़ा से परेशान महिला ने एमवाई अस्पताल के परिसर में ही पार्किंग के पास बच्चे को जन्म दे दिया। जैसे ही जिम्मेदारों को इस बात की भनक लगी तो वो महिला के पास पहुंचती हैं और आनन फानन में तुरंत अंदर लेकर इलाज शुरू कर दिया जाता है। कुछ नहीं, अंदर ले रहे थे, अंदर से बाहर भगा दी वो भाई को, तो इधर फर्सी पे डिलीवरी हुई, अभी हाल हमने दोनों ने करी। क्या अंदर लेकर क्या बोल दिया? बोल दिया 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में ये मैं उसका आधा घंटा भी नहीं हुआ डिलीवरी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है, पेशेंट की सुनवाई नहीं है तो ऐसे कैसे अस्पताल है। आप कहाँ लेके गए? अंदर ले गए, जिसके होने के बाद में ले गए अभी गाड़ी पे रख के। आप कौन है? हम तो कोई नहीं है, साथ में हमारी डिलीवरी आई थी कल की, उसकी डिलीवरी करो तो हम मिलने आए थे, तो जहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे थे, हम यहीं पे बैठे थे। साड़ी से ढक के उसकी यहाँ पे डिलीवरी करी, ऐसा वो थोड़ी होता है। आपका नाम? मेरा नाम, हम बाणगंगा गए थे, बाणगंगा के बाद फिर यहाँ पे पहुँचाया था, फिर यहाँ की मैडम ने बोला 2-3 घंटे अभी है डिलीवरी, नीचे तक गए तो वहाँ पे फिर हो गया बच्चा, बहुत दर्द हो रहा था तो नीचे जमीन में ही लेट लिए, और यहाँ के एम्बुलेंस वालों एम्बुलेंस को बोल रहे थे तो बोलते हैं 700-800 रुपए दो उसके बाद जाएंगे। पहले कहाँ ले गए थे? बाणगंगा। कौन से अस्पताल? वो शहर सामुदायिक अस्पताल बाणगंगा। वहाँ से क्या बोल दिया? यहाँ बोले खून की कमी है, बच्चा 7 महीना का है, यूँ बोल रहे थे। तो फिर वहाँ से यहाँ एम्बुलेंस? हाँ, फिर वहाँ से यहाँ आया। तो यहाँ क्या बोल दिया? यहाँ फिर डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे नहीं करेंगे डिलीवरी, कहीं और जाओ। अच्छा, ये बोल दिया कि नहीं करेंगे? हाँ, अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, अभी ये दूसरे मरीज हो रहे हैं इसलिए बोले यहाँ पे नहीं करेंगे, कहीं और ले जाओ। फिर हम ले जाने के लिए गए ही थे नीचे तो वहाँ पे फिर दर्द चालू हो गया, तो फिर वहाँ के भाइयों को बुलाया, उन भाइयों ने फिर करवाया। यहाँ पे किसी आला डॉक्टर से चर्चा करी थी इस मामले में? हाँ, अभी फिलहाल जो अंदर है डॉक्टर उनसे ही बोला। आपका नाम? मेरा नाम संगीता है। क्या लगते हैं आप इस बालक? इसकी बड़ी मम्मी।